छापे को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ राजभवन में राज्यपाल से मिलकर शिकायत की। उन्होंने कार्रवाई को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया। सीएम ने कहा कि इस मामले में संघीय ढांचे के खिलाफ जाकर काम हो रहा है, राज्य सरकार को कार्रवाई के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पूरे मामले में सरकार लीगल एक्शन लेगी। वहीं रविन्द्र चौबे ने कहा कि राज्यपाल ने इस मामले में केंद्र और राष्ट्रपति के साथ चर्चा करने की बात कही है। व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आपको कोई कार्रवाई कर रहे हैं, हमने कभी रोका नहीं। आईटी की कितने यहाँ छापे पड़े, कभी हमने आपत्ति नहीं की, क्योंकि आप संबंधित एसपी खबर कर देते थे, एसपी वहाँ फोर्स ले देते था, उसके कार्रवाई कर लेते थे, लेकिन अभी कोई सूचना ही नहीं। तो ये तो सीधा सीधा राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को अस्थिर करने की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देकर आग्रह किया और महामहिम ने सारी बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि तत्काल इस संबंध में प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से वो चर्चा करेंगे।